एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, अब मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ एक सवाल पूछने। इस समय चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है, तो इस इलेक्शन के मौसम में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसपे आप सबकी कोई ना कोई राय जरूर होगी। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग किसे प्रधानमंत्री बना रहे हैं, और मैं आपको विकल्प देता हूँ। पहला विकल्प कोई चाय वाला, मफले वाला, माँ का बेटा, या फिर लैपटॉप बांटने वाला। चाय वाला जी, चाय वाला। आप? चाय वाला। आप? आप? माँ का बेटा। आप? नरेंद्र भाई मोदी। आप? नरेंद्र भाई मोदी। आप? चाय वाला नरेंद्र मोदी। सर आप? नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी बोलेंगे। इधर मोदी। यहाँ पर लगभग देखी जाए तो हर किसी की एक ही आवाज आ रही है, तो मैं हर किसी ने अपनी अपनी एक राय दी है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से चाय वाला प्रधानमंत्री पद पद का क्यों हकदार है, क्यों बताइए। आप? विकास कराने वाला। आप? विकास कराने वाला। सर थोड़ी सी जगह कि हम पीछे भी लोगों से बात कर सकें, क्यों? मेरा सवाल ये है कि जैसा कि सब लोगों ने नाम लिया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि चाय वाला क्यों इस पद के हकदार है। क्योंकि चाय वाला ऐसी स्थिति परिस्थितियों से गुजरता है, उसको जानकारी होती है कि एक चाय वाला किस तरह से देश को चलाएगा। तो तय है कि चाय जब उसमें बेची है तो अमूमन आम आदमी का ख्याल रखेगा और नीचे तबके को तवज्जो देगा। इसलिए आज देश को आप एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री, यानी कि जो खुद इस माहौल से गुजरा हो वो दूसरों को नहीं जाने देगा। सर आप बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं भी ये आपसे जो इनसे सवाल पूछा वो आप ही से पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से वो इस पद के क्यों हकदार है। नरेंद्र मोदी जी जो कि बहुत अच्छे इंसान है और उनकी जो बात है उनकी बातों में बहुत ज्यादा दम है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो भी बात कहते हैं खुल के कहते हैं, क्लियर कहते हैं, मतलब जिसकी वजह से जनता को भी पसंद है उनका। जो भी आज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे तरक्की मिलेगी, प्रधानमंत्री पद मिलेगा उन्हें। हमारे सीनियर्स क्या सोचते हैं, हमारे जो बड़े हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे पूछेंगे। किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? कि जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक नाम लिया, तो मैं जानना चाहता हूँ आपने जो नाम लिया है वो उस प्रधानमंत्री पद के क्यों हकदार है। अभी तक हमने सभी प्रधानमंत्रियों को देख लिया है, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर हमारे लिए नरेंद्र मोदी बन के तैयार होकर के प्रधानमंत्री पहुँचते हैं उनको भी देखेंगे, अगर उन्होंने सही काम किए तो ठीक है, नहीं फिर और तीसरा कोई तुम जैसा प्रधानमंत्री कोई आएगा उनको भी देखेंगे। क्या बात है सर, मेरे लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सर आप बताइए क्या पूछा सर कि प्रधानमंत्री पद के क्यों हकदार हैं, जैसा कि आप लोगों ने नाम लिया है चाय वाला, वो क्यों इस पद के।